बहुत ही जल्दी 10-15-20 मिनट में सब रेडी हो जाता है गाइस। पराठा भी ऑलमोस्ट पूरा बन गया है। यहाँ मम्मी चाय छान रही है। इतने में कैमरे पे खाली छप्पड़ 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 छप्पड़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, मस्त में मैं नहा वहा के हो गया हूँ रेडी। पूजा उजा सब कुछ कर लिया है। एंड गाइज, मेरा ना सच बताओ बहुत मन कर रहा था। मैंने मम्मी को बोला मस्त में आज बना रही है मम्मी चाय और पराठा। एक्चुअली चाय पराठा में जो पराठे में ना कुछ मिक्सचर होता है वो मम्मी मिक्स करके बना रही है। सो जिसके वजह से वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। सो अच्छी बात है कि मस्त में मम्मी बना रही है। एंड कंटिन्यू गाइज, अभी ट्रैवल कर करके ऐसा सीन हो गया ना कि मेरा पूरा का पूरा, अभी मैं क्या ही पैर दिखाऊँ आप लोगों को, बट ऐसा हो गया है कि मतलब पूरा का पूरा पैर पानी से सड़न जैसा होता है ना, मतलब पूरा का पूरा वहाँ पे एकदम घाव जैसा बन गया मेरी उंगली पे। तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, और मम्मी पापा दोनों चिल्ला रहे और बना ले व्लॉग, पता नहीं क्या क्या क्या। सुबह से निकलता है तो शाम तक ऐसे ही, मतलब 2-3 काम एक साथ पड़ जा रहा ना गाइस, तो जिसके वजह से बहुत भारी पड़ रहा है। एंड कंटिन्यू पानी में ही पैर है, सो जिसके वजह से और भी ज़्यादा मतलब पैसा हो गया है ना कि बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा है। सोने के पहले तो मम्मी तेल गर्म करती है, तो फिर मतलब ऐसा होता है कि मेरे भी पैर में लगाती है, राई का तेल गर्म करती है एंड फिर मेरे भी पैर में लगाती है एंड पप्पा के भी पैर में। सो मस्त में भी यहाँ बन रहा है चाय पराठा, फिर मस्त में खाते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इतना डिलीशियस लग रहा है ना कि क्या ही बताऊँ। एंड मम्मी के लिए तो सब काम जैसे ऐसा लगता है बहुत ही जल्दी, 10-15-20 मिनट में सब रेडी हो जाता है गाइस। I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. पराठा भी ऑलमोस्ट पूरा बन गया है। यहाँ मम्मी चाय छान रही है, तो बस एक लास्ट पराठा बचा है, फिर मस्त में चाय और पराठा खाएंगे। चलो अच्छा, धुआं देख रहे हो। एंड खिड़की एंड ऑल सब मैंने बंद रखा है बिकॉज बाहर से बहुत वॉइस आती है गाइज, सो जिसके वजह से मुझे बंद करना पड़ा। अच्छा एक और है, मतलब वो वाला पराठा जो आप देख रहे हो ये लास्ट पराठा बचा है गाइस। सो गाइस, आ गया है मस्त में गर्मा गर्म पराठा और यहाँ पे है चाय। सो मस्त में खाते गाइस चाय और पराठा। एंड पराठे के अंदर मम्मी ने 2-3 वैरायटी डाली है, मिक्स किया हुआ है कुछ, मतलब क्या क्या है मम्मी, अजवाइन जीरा नमक। सो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो मस्त में बन गया, अब गर्मा गर्म खा लेते हैं, फिर करते अपने ब्लॉग को कंटिन्यू। मस्त में खा पी के तो हो गया है। एंड आज मैंने यही सोचा है कि आज भी कहीं जाऊंगा नहीं, घर पे ही आज व्लॉग करेंगे रिकॉर्ड। एंड आज का व्लॉग भी काफ़ी छोटा रखने वाला हूँ बिकॉज एक्चुअली गाइज ऐसा हो गया है कि ठीक है अभी व्लॉग है तो व्लॉग में तो ये चीज़ एकदम कॉमन थिंग है। शायद से मेरा आधा बाल कट गया होगा, मैंने अभी देखा तो ठीक है, पर ये कह रहा था व्लॉग है तो व्लॉग में तो ये चीज़ एकदम ही कॉमन है गाइज कि घूमना फिरना एंड ऑल, एंड व्लॉग बनाने का मीनिंग ही यही है। बट हाँ, मैं डेली लाइफस्टाइल व्लॉग कर रहा हूँ, सो जिसके वजह से आप लोगों को मेरी बेसिक से बेसिक चीज़ें भी दिखती हैं एंड मैं कहीं पे भी आता जाता हूँ। तो जिस दिन मैं बाहर निकला तो उस दिन घर का व्लॉग नहीं होता है बिकॉज बाहर जाना मतलब काफ़ी दूर दूर जा रहा हूँ आ रहा हूँ, सो ऐसा सीन हो जा रहा है गाइस। सो जिसके वजह से मैंने यही सोचा कि आज भी मतलब आज का व्लॉग काफ़ी छोटा करेंगे एंड घर पर रहेंगे आराम से। राई के तेल से सोते टाइम तो गाइस अच्छा खासा आराम हो जाता है, बट जब वही चीज़ मतलब मॉर्निंग में उठो कहीं जाओ आओ तो फील होने लगता है। सो जिसके वजह से ऐसा मैंने सोचा है, चलो अगर आज आराम नहीं हुआ अपने आयुर्वेदिक या घर के नुस्खे से तो जाएंगे क्रीम वगैरह कुछ लेके आएंगे गाइस। चीज़ हो गया है कि ये जो मेरा ईयरबड्स है ना, पता नहीं क्या हो गया है, एक्चुअली आप देखिए देखने में इतना अच्छा लग रहा है। सो ये मतलब कनेक्ट हो रहा है दोनों में, बट इशू ये हो गया है गाइस कि एक कान में मतलब दोनों कान में एक साथ में नहीं कनेक्ट हो रहा है। कभी राइट का हो रहा है तो लेफ्ट का कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेफ्ट का हो रहा है तो राइट का नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या ही इशू आ गया। एंड अच्छा खासा जबकि गाइज हो गया 2-2.5 साल हो गया, कभी ईयरबड्स ने धोखा नहीं दिया इतना अच्छे से। इवन चार्जिंग तो आज भी इतनी अच्छी है ना कि मतलब एक बारी अगर मैं चार्ज कर दूँ तो ये आराम से गाइज मेरे को लगता है 15-20 दिन तो चार्जिंग के लिए हाथ भी नहीं लगाते हम लोग, बट पता नहीं क्या हो गया 2-3 दिन से ऐसे हो रहा है। एंड बीच में भी हुआ था ऐसा, बट फिर से मतलब होने लगा था राइट लेफ्ट दोनों कनेक्ट, बट अभी देखिए अभी तो पता नहीं क्या हो गया कि एक में कनेक्ट हो रहा है और एक में कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, तो मैंने अभी अभी गाइस ट्राइपॉड में सेट किया बिकॉज कंटिन्यू व्लॉग बना रहा था तो हाथ दुखने लगा था। तो मैं यही कह रहा था गाइस कि मतलब
घर में रहो ना तो ऐसा कंफ्यूज भी हो जाता हूँ कि क्या व्लॉग बनाओ क्या बनाओ। एक्चुअली मैंने अभी वीडियो इसलिए रोक दिया था बिकॉज वो बाहर से थोड़ा बहुत ज़्यादा वॉइस आ रहा था, सो जिसके वजह से मैंने रोका। इसलिए एकदम अचानक से मम्मी आप लोगों को पीछे दिखती होगी। हाँ, सो फिर से मैं यही कह रहा था कि घर में रहो तो कन्फ्यूज़ भी हो जाता हूँ गाइज, बिकॉज ऐसा होता है ना कि मुझे बहुत वेट करना पड़ता है, मॉर्निंग टू इवनिंग तक का रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ऐसा हो जाता ना कि मतलब फिर मतलब एकदम से भी घर से बिल्कुल ही बाहर नहीं निकल पाते, इसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ गाइस कि घर पे मतलब क्या बनाओ क्या बनाओ। जबकि आप लोगों ने देखा था कि पहले तो ऐसा ही व्लॉग आता था कि फैमिली के साथ में मतलब अच्छा अच्छा व्लॉग बनता था। मैं एक्चुअली नज़र झुका के इसलिए बात करो बिकॉज ईयरबड्स देख रहा था, सो सॉरी। तो मैं यही कह रहा था, बस कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ गाइस। मैंने तो खुद भी इमेजिन नहीं किया था कि मतलब इतने दिन मैं व्लॉग बना पाऊँगा कंटिन्यू, बट मैं बना पाया, मुझे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है एंड थैंक यू सो मच आप लोगों को। अभी तो आपको पता है कि सावन भी आने वाला है। मम्मी आ गया है ना, परसों से है, बट बहुत जगह पे आषाढ़ी सावन यानी कि इसी कल गुरु पूर्णिमा परसों से सावन स्टार्ट है। सो गाइस कल गुरु पूर्णिमा है एंड परसों से सावन, बहुत लोग आज से ही हैं, बट हाँ ऐसा है कि 5 सोमवार होता है ना, सो जिसके वजह से, और बहुत लोग ऐसा होता है कि 4 जब मतलब ये सावन जब ख़त्म होता है तो 4 के बाद 5वां सोमवार का व्रत उठाते हैं, बट बहुत लोगों ने आज से उठाया, मतलब कल या परसों गुरु पूर्णिमा है एंड उसके बाद सावन है। हाँ करेक्ट, तो कन्फ्यूज़न हो गया गाइस, बट हाँ मेरे से अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत गलत मिले तो प्लीज़ अपने घर पर कन्फर्म कर लेना, बट मुझे तो लगता है कि प्रॉपर ही बताया मैंने। बहुत लोग आज से सावन उठाते हैं, बहुत लोग आने वाले मंडे से सावन उठाएंगे एंड फिर जाने के बाद एक और मंडे होता है उस दिन तक उठाते हैं, मतलब 5 सोमवार तक। आप देख ही रहे हो मतलब अभी सावन आ गया, अच्छे से घर की साफ़ सफाई वगैरह सब किया है एंड यहाँ पे आप लोगों को जो बॉक्सेस दिख रहे थे वो भी हट गए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी बहुत रेयर ही बॉक्सेस आप लोगों को दिखते होंगे बिकॉज सामान वगैरह थोड़ा सब कुछ शिफ्ट किया है एंड सावन आएगा तो बहुत मज़ा भी आने वाला है गाइस, बट अभी नहीं बताऊँगा आप लोगों को, बने रहना। मतलब रेगुलर व्लॉग तो गाइज आप लोग देखते ही हो ना, सो मैं आप लोगों को बताता हूँ एंड लग रहा है मैंने थोड़ा सा डायरेक्शन हाँ। सो बस यही कहना था कि रेगुलर व्लॉग तो आप लोग देखते ही हो, बस इसी तरह से व्लॉग देखना तो आप लोगों को एक अच्छा सा सरप्राइज़ मिलेगा सावन का। सो अभी नहीं गाइज, अभी बिल्कुल भी नहीं, सो गलती से भी मतलब अभी मत सोचने लगना कल परसों या ऐसा, सावन में देखना। सरप्राइज़ लाइक पूजा पाठ से ही रिलेटेड सरप्राइज़ है, बट काफ़ी बहुत 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 सुकून मिलता है, सो वो दिन आएगा तो ज़रूर शेयर करेंगे। तो गाइज आज का व्लॉग मुझे भी पता है काफ़ी छोटा है एंड मैंने ज़्यादातर आप लोगों से कन्वर्सेशन ही किया है, बट अच्छा लगा कि बहुत दिन के बाद मैं कैमरे पे सिर्फ बात कर रहा हूँ, अदरवाइज रेगुलर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, देख ही रहे हो आप लोग। सो बाहर का अंदर का मतलब जहाँ का भी हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसा हो रहा है कि सीन्स ही दिख रहे हैं, व्यूज़ ही दिख रहे हैं, बट आज मुझे अच्छा लगा कि मैंने आप लोगों से इतनी ढेर सारी बातें की, बहुत ढेर सारी नहीं पर थोड़ी बहुत बातें तो की ही गाइस एंड होप सो कि आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। बहुत लोग शायद बोर भी हो गए होंगे कि कंटिन्यू में कैमरे पे खाली छप्पड़ 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 छप्पड़, बट क्या करें, मैंने बोला है ना आप लोगों को कि घर पे हूँ तो आज घर पे ही हूँ तो सिर्फ आप लोगों से ही कन्वर्सेशन करूँगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और आज का व्लॉग छोटा है, बहुत भी छोटा नहीं है, बट हाँ कंपैरिजन टू रेगुलर व्लॉग्स आज के व्लॉग काफ़ी छोटे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, तो गाइज मैं करता हूँ अपने व्लॉग का यहीं पे एंड, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को प्लीज़ हाथ दिखाऊँ या कर दोगे आप लोग लाइक, चलो आप लोग कर देना आज। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ बताऊँ या सब्सक्राइब कर दोगे, हालांकि बहुत लोगों ने किया है, सो जिन्होंने किया उनको थैंक यू, और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं गाइज बताने की जरूरत है नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए क्या करना है आप लोगों को, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय गाइज। बताना हाँ अगर बोर हुए रहोगे तो बोरिंग डाल देना, मैं समझ जाऊँगा कि मैं पका रहा था आप लोगों को, एंड अगर अच्छा लगा कि मैंने आप लोगों से कन्वर्सेशन किया सो ऐसा बस टाइप कर देना, अच्छा लगा या गुड जो भी है टाइप कर देना, मैं समझ जाऊँगा कि मैं आप लोगों से बातें करता हूँ तो आप लोगों को अच्छा लगता है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। I'm staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on.